गाइज गुड मॉर्निंग, अर्चना ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन। मैंने 1 केजी चिकन और उसमें 750 ग्राम प्याज को धो कर के काट लिया है, और मैंने चिकन को भी अच्छे से साफ कर लिया है। और मैं आज बनाऊंगी कुछ नए तरीके से चिकन। उस लिए मैंने 500 ग्राम मटर, हरा मटर लिया है, उसमें से जो भी दाना निकला और सभी को धो करके अच्छे से साफ कर लिया है। और मैंने तब तक सरसों तेल को चढ़ा दिया था और हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसलिए मैं उसमें तड़के में डालूंगी फ़ौरन तेज पत्ता और जीरा, और आप चाहे तो थोड़ा गरम मसाला भी, खड़ा गरम मसाला डाल सकते हैं, उससे अच्छा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग आता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग गरम मसाले का फ्लेवर। अब मैंने इधर जीरा भी डाल दिया है और अब मैं डालूंगी प्याज। अब मैं डाल दी हूँ ये प्याज। प्याज को भी अच्छे से भून कर लाल कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये चिकन बनाऊँगी और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। और मैं इसके साथ बनाऊँगी चावल और सिंपल सी पूरी। अच्छे से हम प्याज को गैस का फ्लेम तेज करके ही भूनेंगे। मैंने अब ये धीरे धीरे भूनते हुए प्याज को मैश करते हुए और अब भून लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर को, और ये मैंने जो छीमी वाला हरा मटर होता है वो मटर यूज किया है। मटर को भी 2-3 मिनट तक भून लेंगे। हमारा मटर और प्याज अब भून गया है और इसमें मैं डालूंगी चिकन को। मैंने मसाले में इधर जीरा, लहसुन, अदरक और काली मिर्च का पेस्ट बना लिया है, और उसमें थोड़ा खड़ा गरम मसाला को भी पीस लिया है, मिक्सर में पेस्ट बना लिया। आप चाहे तो सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। और ये मैंने सारे चिकन को धो करके अच्छे से रख लिया था, और मैं सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये मैंने अब अच्छे से सारे चिकन को गैस का फ्लेम कम करके और मिक्स करें, ताकि प्याज जले ना, जलेगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में ही चिकन अपना पानी छोड़ देगा, और उसको हल्का सा 2 से 4 मिनट तक चिकन, प्याज और मटर को भूने, और इसके बाद इसमें हम सब पानी डालेंगे, मसाला डालेंगे पानी में। और हमारा चिकन देखिए कितने अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट में ही भून गया है, और हमारा पूरा प्याज भी गल चुका है। तो हम इसमें मसाले को डाल देंगे। सबसे पहले जो मसाले को तैयार की थी उस मसाले को डाल दूंगी। इसमें जीरा, अदरक, लहसुन और काली मिर्ची और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला पीस लिया था। इसमें डालूंगी अब हल्दी, जितना में कलर आ जाए स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची, और अब मैंने 1/2 चम्मच जितना धनिया पाउडर, और अब सभी को मिक्स करके, और फिर इसमें अब हम नमक ऐड करेंगे। और ये मैंने अब इसमें नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और गैस का फ्लेम कम करके और सभी मसाले को हम अच्छे से पकने देंगे, और इसमें पानी नहीं डालेंगे, गैस का फ्लेम कम कर देंगे, तो अपने आप पानी चिकन का, प्याज का, सभी का पानी छूट जाएगा और हमारा चिकन आपस में मिक्स हो जाएगा। ये देखिए मैंने ढक कर अभी 2 से 3 मिनट ही छोड़ा था, तब तक हमारा चिकन इतना पानी छोड़ चुका है, और उसको फिर से हम ढक कर अब थोड़ी देर और छोड़ देंगे। और ये देखिए हमारा चिकन कितने अच्छे से भून रहा है। और अब इसमें हम मैं डाल दूंगी 1 चम्मच गरम मसाला, और अच्छे से हम अब चिकन को फिर वापस से भून लेंगे। और मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल ही देखिए कम करके रखा है,
इससे हमारा चिकन बहुत ही बढ़िया भून के तैयार होता है और मैंने अभी तक बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं किया। और इधर देखिए धीरे धीरे भूनते हुए ही हमारा चिकन का कलर कितना अच्छा आ रहा है। और अभी तक मैंने गैस का फ्लेम तेज़ नहीं किया है और ना इसमें पानी यूज किया है, ये इसी तरह से बहुत अच्छा से भून रहा है। और हमारा चिकन ही थोड़ी देर में ही होने वाला है। और इधर मैंने आटे को पूरी के लिए गूंद लिया है और चावल को भी चढ़ा दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चिकन मसाला, और अब हम चिकन मसाला भी आधे चम्मच जितना डाल देंगे। आप बनाएं आप अपने अनुसार डालिएगा, और डालकर और फिर से मिक्स कर लेंगे और सभी को ढक देंगे। चिकन जब बनाए तो अच्छी तरीके से चलाए, देखें कि नीचे लगे ना, लग जाएगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। देखिए हमारा चिकन अभी तक नीचे नहीं लगा है, काफ़ी अच्छे तरीके से भून रहा है। डालेंगे धनिया पत्ती जो मैंने धो कर कर काट के रख लिया था। अब 2 से 3 मिनट और भूनेंगे और उसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। देखिए चिकन का कलर इतना बढ़िया आ गया है, चिकन हो गया है। और इसमें हम पानी डाल देंगे, और अब हम पानी को मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके और थोड़ी देर ढक कर गैस का फ्लेम कम करके छोड़ देंगे। ये देखिए अब हमारा चिकन बनके लगभग हो गया है तैयार, और इधर हमारा चावल भी अब हो ही गया है। देखिए हमारे चिकन की ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है। और मैं अब गैस को कर दूंगी बंद, और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है और इसमें अब मैं डालूंगी रिफाइन ऑयल और अब फटाफट से पूरी को तल के फिर खाना को निकाल लूँगी। अब हमारा खाना हो गया है तैयार, ये हुआ चिकन, पूरी और चावल। बाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।